आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। फैजाबाद विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का प्रयास रंग लाया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 10 करोड़ 80 लाख रुपए का धनराशि अवमुक्त स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अयोध्या विधायक को पत्र भेजा है। अयोध्या के कुंडों का जीर्णोद्धार होगा। अयोध्या विकास के नगर विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। नगर विकास मंत्रालय ने फैजाबाद डीएम से 15 दिन के अंदर डीपीआर मांगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरा बाजार, माया बाजार, गोसाईगंज, सुहावल, बीकापुर, मिल्कीपुर, उदौली, खैरनपुर, मवई में 28 नए उपकरण लगेंगे। जिला चिकित्सालय में सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की भी स्थापना होगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टरलाइजेशन भी लगाए जाएंगे। श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या में सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की भी व्यवस्था होगी। सौसैया संयुक्त चिकित्सालय कुमारगंज में भी सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की भी स्थापना होगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टरलाइजेशन की होगी सुविधा। जिला चिकित्सालय में मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की स्थापना होगी। अयोध्या के सात कुंडों का जीर्णोद्धार होगा। ब्रह्मकुंड, दशरथ कुंड, खजुआ कुंड, गिरजा कुंड, सीता कुंड, दंतधावन कुंड व बैतरणी कुंड का भी जीर्णोद्धार होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा बाजार, माया बाजार, गुसाईगंज, सुहावल, बीकापुर के लिए 14,32,000 रुपये का एक किया है। उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिला चिकित्सालय फैजाबाद में सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की स्थापना के लिए, फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और इंस्टॉलेशन के लिए 3,97,00,000 पैसा रिलीज हुआ है। श्रीराम चिकित्सालय अयोध्या फैजाबाद में सेंट्रल मेडिकल गैस पाइपलाइन की स्थापना के लिए 165,00,000 रुपया रिलीज हो गया है। और जिला चिकित्सालय फैजाबाद मैकेनाइज लॉन्ड्री की स्थापना के लिए 274,00,000 रुपये। इस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार संवेदनशील है और वो बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया